बेदमुथा जीनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री जामनेर के डायरेक्टर अमित कुमार बेदमुथा से commoditiescontrol.com ने जीनिंग एंड प्रेसिंग मिलों को मिलने वाली इस समय कॉटन अवेलेबिलिटी, प्राइस डिस्पैरिटी और एक्सपोर्टरों की मांग पर बात की। अमित जी, इस समय जीनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्रियों को क्या कॉटन की अवेलेबिलिटी आसान है और किस तरह की है? अभी तो हमारे खानदेश एरिया में 20% कपास का पैदावार कम हो चुका है और जो किसानों के पास में उनने जो 20% में ये किया था, मक्का लगाया था या सोयाबीन लगाया था, उनसे उनने सेल आउट करके कपास होल्ड करके रखा है और उनको एक्सपेक्टेशन है 5000 प्राइस आने की कॉटन की, जो कि अभी ये सिचुएशन में तो आ नहीं सकती है क्योंकि एक्सपोर्टरों की खासी डिमांड भी नहीं है और मिलों की भी इतनी डिमांड नहीं है और डे बाय डे रोज़ बाज़ार कम ही होता दिखता है, नज़र आ रहा है जी। क्या कॉटन में इस समय एक्सपोर्टर्स की डिमांड अच्छी है या किस तरह देखी जा रही है? क्वालिटी वाले जो कॉटन अभी जो भी जीनिंग प्रेसिंग वाला बना रहा है, क्वालिटी यानी सभी पैरामीटर ओके, उसकी ग्रेड भी अगर अच्छी है तो अच्छे एक्सपोर्टर है अभी मार्केट में जी। जीनिंग मिलों का कहना है कि इस समय जो कॉटन वे तैयार कर रहे हैं उसमें डिस्पैरिटी बैठ रही है, ये डिस्पैरिटी किस तरह की और किस तरह से ये मसला हल हो सकता है? जब किसान अगर उस किसान को अगर अच्छा प्राइस मिले तो जब बेचना जब चालू करेंगे तभी डिस्पैरिटी ख़त्म हो सकती है, अदरवाइज ख़त्म नहीं होना हो सकती वो चीज़ जी। कॉटन के दाम जनवरी के बाद आप किस तरह से मूवमेंट होते हुए देखते हैं? लग रहा है कि जनवरी के बाद में थोड़ा सेकंड जब पिकिंग आती है तो जो अच्छे माल है उनको अच्छा दाम मिलेगा इस तरीके से जी। और यहाँ पर ये बात करें अगर हम कॉटन सीड और कॉटन ऑयल केक की, उसमें किस तरह से डिमांड देखी जा रही है? वो वहाँ भी वही दिक्कत आ रही है क्योंकि हर जीनर से कि जो बल्क में अगर किसान नहीं ला पा रहा है तो पेटी ट्रेडर से माल उठाता है, पेटी ट्रेडर्स और जीनिंग यानी किसान के काश्तकार के रेट और जीनिंग के रेट सेम है तो पेटी ट्रेडर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर मार के लाता है और वो लेना ही पड़ता है किसान को जी। जीनर्स को जी खानदेश में CCI की किस तरह से बाइंग देखी जा रही है? CCI की ने अभी तो उसको खानदेश में एक आधी सेंटर खोला है, बाकी तो अदरवाइज CCI कहीं नहीं है। जो CCI डिस्पैरिटी में काम करना ही चाहती है वो भी एक व्यापारी की तरीके का ही काम करती है जी। अमित जी, आपने commoditiescontrol.com से बात की, इसके लिए धन्यवाद।